सर आपने प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग तो डिटेल में पढ़ा दी, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि प्रोडक्ट को हम रैंक किस तरह करेंगे, मतलब फर्स्ट पेज पे कैसे लेके आएंगे ताकि हमें ऑर्गेनिक ऑर्डर आए। तो चलिए फिर आज का टॉपिक यही डिस्कस करते हैं कि हम किस किस तरह प्रोडक्ट को रैंक कर सकते हैं और फर्स्ट पेज पे लेके आ सकते हैं। आर यू रेडी? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका वीए और आज की वीडियो में हम वो सारे मेथड्स और टेक्निक्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो वर्चुअल असिस्टेंट और दराज के टॉप सेलर्स यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट को रैंक करने में, फर्स्ट पेज पे लेके आने में और अपनी ऑर्गेनिक सेल्स हासिल करने के लिए। तो आज की वीडियो दराज सेलर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने मेरी प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग की वीडियो नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, बट ये वीडियो आपको लाजमी देखनी है क्योंकि हर सेलर की यही विश होती है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो रैंक करे, फर्स्ट पेज पे आए और उसको ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आएँ। बट क्वेश्चन ये है कि ऐसा होता कैसे है? देखें, दराज में प्रोडक्ट को रैंक करवाना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये चंद बातें समझनी है जो मैं अब समझाने जा रहा हूँ। प्रोडक्ट रैंक जो होता है वो दो बेसिस पे होता है, एक कीवर्ड्स और एक सेल्स वेलोसिटी। जितने ज़्यादा ऑर्डर आपको आएंगे किसी एक स्पेसिफिक कीवर्ड में, उतनी ही जल्दी आपका प्रोडक्ट रैंक करेगा उस कीवर्ड में भी और उसके अलावा दूसरे कीवर्ड्स पे भी। कन्फ्यूज्ड? ओके, और आसान वर्ड्स में समझाता हूँ। लेट सपोज मेरा एक प्रोडक्ट है रिस्ट वॉच फॉर गर्ल्स, जो मैं एक बहुत ही खूबसूरत पैकिंग में सेल कर रहा हूँ। अब मैंने उसमें डिफरेंट कीवर्ड्स यूज़ किए हैं। लेट सपोज मैंने यूज़ किया है रिस्ट वॉच फॉर गर्ल्स, मैंने यूज़ किया है गिफ्ट फॉर गर्ल्स, मैंने यूज़ किया है गिफ्ट बॉक्स फॉर गर्ल्स, लाइक दिस काइंड ऑफ मैंने डिफरेंट कीवर्ड्स यूज़ किए हैं। अब मैं अपने एक कीवर्ड को यूज़ करके डेली के 5 ऑर्डर्स अपने रिलेटिव या फ्रेंड्स या किसी जानने वालों के थ्रू मैंने हासिल कर लिए। डेली मुझे 5 ऑर्डर्स आते रहे एक हफ्ते तक, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली मेरा प्रोडक्ट रैंक होके फर्स्ट पेज पे आ जाएगा और सिर्फ रिस्ट वॉच फॉर गर्ल्स में ही नहीं बल्कि गिफ्ट फॉर गर्ल्स में भी मेरा प्रोडक्ट ऊपर आ जाएगा और बाकी जितने मैंने कीवर्ड्स यूज़ किए हैं सब में वो टॉप पे आना शुरू हो जाएगा फर्स्ट पेज पे। किसी में सेकंड पोजीशन में, किसी में फिफ्थ में, किसी में फर्स्ट में भी आ सकता है। तो आई होप आपको अब थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है। नंबर 1, कीवर्ड्स आपने यूज़ किए हों अपनी प्रोडक्ट अपलोड करते वक्त। नंबर 2, उस कीवर्ड पे आपको ऑर्डर आ रहे हों। इसके अलावा अदर फैक्टर भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेट सपोज आपने इमेज कैसी लगाई है, क्लिकेबल है भी या नहीं, आपने जो डिस्क्रिप्शन लिखी है वो किस तरह लिखी है, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये दो बातें हैं जो मैंने आपको बताई, सेल्स वेलोसिटी एंड कीवर्ड्स। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम डेली के 5 ऑर्डर्स जैसे मैंने एग्जांपल दी वो हम लेकर किस तरह हैं, मतलब सेल्स वेलोसिटी हम कैसे लेके आएँ। तो यस, फ्री में अगर आप सोच रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट रैंक हो जाए, फर्स्ट पेज पे आ जाए, तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है अब, क्योंकि अब दराज में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। तो फ्री में आपका प्रोडक्ट रैंक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आपको करनी पड़ेगी इन्वेस्टमेंट, थोड़े पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और पैसे खर्च करके आप किस तरह प्रोडक्ट को रैंक कर सकते हैं वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, डिजिटल एडवर्टीजमेंट, जिसमें फेसबुक, गूगल और ख़ुद दराज भी शामिल है। इसमें होता क्या है कि आपको अपने पर डे का बजट सेट करना होता है कि पर डे आप कितना खर्च करना चाहते हैं एडवर्टीजमेंट में, और उसके मुताबिक ही आपको ऑर्डर आते हैं। बट ये एड पब्लिश करना हर किसी के बस की बात नहीं है, जो इसके एक्सपर्ट हैं वही अगर इसको प्रॉपर तरीके से एड्स पब्लिश करें तभी आपको ऑर्डर आएंगे, वरना आप खुद से लगा तो देंगे लेकिन आपको ऑर्डर्स नहीं आएंगे, आपके सिर्फ पैसे वेस्ट होंगे। तो बेहतर इसके लिए यही होता है कि जो इसके एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने प्रॉपर इसका कोर्स सीखा हुआ है, उनसे ही आप ये एड्स लगवाएं फेसबुक और गूगल के, तभी आपको फ़ायदा है। और अगर आप खुद से भी फेसबुक एड्स सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में आपको वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें मैंने सिखाया है कि फेसबुक एड्स किस तरह पब्लिश करते हैं, ऑडियंस को किस तरह टारगेट करते हैं। तो वहां से भी आप सीख के उसके बाद आप खुद ट्राई कर सकते हैं एड पब्लिश करने की। लेकिन जब आप खुद से कर रहे हो तो कम से कम बजट रखिएगा शुरू में, सिर्फ आप टेस्टिंग करिएगा कि आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है या नहीं।
बाकी इंशाल्लाह अपनी आने वाली वीडियो में मैं आपको एक प्रॉपर फेसबुक एड चला के भी दिखा दूंगा स्पेशली दराज के लिए। नंबर टू, गिव अवेज, जिसको VVRO भी कहा जाता है। इसमें होता ये है कि आप फेसबुक पे आपको ऐसे बहुत से ग्रुप्स मिल जाएंगे जो ये काम कर रहे हैं, मींस आप उनको फ्री में प्रोडक्ट देंगे, वो सिर्फ शिपिंग कॉस्ट बियर करेंगे या शिपिंग कॉस्ट भी सम टाइम बियर नहीं करेंगे। इन रिटर्न वो आपको 5-star रेटिंग और एक अच्छा सा रिव्यू देते हैं। बट अगर आप प्रोडक्ट रैंकिंग के लिए ये वाला मेथड चूज़ करते हैं तो मैं आपको एक टिप दूंगा, वो ये कि जब भी आप इस मेथड को स्टार्ट करें उस वक्त अपने प्रोडक्ट की प्राइस को आप मिनिमम कर दीजिएगा। मींस जितने का आपको प्रोडक्ट एक्चुअली में पड़ रहा होगा उतने का ही आप गिव अवेज में दीजिएगा, तो इससे दराज का कमीशन कम से कम डिडक्ट होगा और आपको लॉस कम से कम होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आपके प्रोडक्ट की प्राइस होगी दराज का कमीशन भी उतना ही ज़्यादा कैलकुलेट होगा, और आप फ्री में दे रहे हैं तो आपका लॉस ज़्यादा होगा। गिव अवेज या VVRO मेथड यूज़ करते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी ऑर्डर करे आपको वो आप उसको कीवर्ड बताएंगे, वो उस कीवर्ड से सर्च करके आपका प्रोडक्ट ढूंढ के उसके बाद वहाँ से वो ऑर्डर करे, डायरेक्ट लिंक से ऑर्डर ना करे, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि रैंकिंग के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक कीवर्ड्स और एक सेल्स वेलोसिटी। तो अब एक क्वेश्चन बनता है कि अगर हम एडवर्टीजमेंट मेथड यूज़ करते हैं तो उसमें कीवर्ड्स का क्या रोल है? तो उसमें कीवर्ड्स का कोई रोल नहीं होता। आप जो भी एड पब्लिश करते हैं जो देख रहा होता है उसको, वो लिंक पे क्लिक करता है, आपके सीधे दराज स्टोर में जाता है और वहाँ से वो आपको ऑर्डर कर देता है। और यही वजह है कि 80% VA या बेस्ट सेलर जो हैं वो गिव अवेज या VVRO मेथड यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें दो फायदे होते हैं, एक तो आपको ऑर्डर मिल रहा होता है और दूसरा जिस कीवर्ड को आप रैंक करवाना चाह रहे होते हैं उस कीवर्ड के थ्रू आपको ऑर्डर मिल रहा होता है। तो इसीलिए बेस्ट मेथड यही है कि आप गिव अवेज या VVRO करें, अदरवाइज एडवर्टीजमेंट मेथड भी वर्क करता है अगर आपको सेल्स आनी शुरू हो जाएं बहुत ज़्यादा। तो आज के लिए इतना ही। अब इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो आप मुझसे बेझिझक होकर पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, आपको भी लाजमी रिप्लाई करूँगा। वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है आपने तो कर लें, अब कब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।